Students, in previous class we started our new chapter in class 7, that is humidity and rainfall. हमने पिछली क्लास में हमारा क्लास 7 में नया चैप्टर स्टार्ट करा था humidity and rainfall. In this chapter we discuss about what we understand by the term humidity. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि humidity word से हमें क्या समझता है. And we discuss different types of the terms as water vapors, evaporation and condensation. Okay, in condensation we discuss about the different forms of condensation. Condensation में हमने अलग अलग तरह के condensation समझे थे, जैसे कि dew and frost. Dew मतलब कि droplets of water, ठीक है. Frost means जो ice particles settle down हो जाते हैं पत्तियों पर, उसको हम क्या बोलते हैं, frost बोलते हैं. And we discuss two terms, that is fog and mist. Fog जो कि हमें ठंड के दिनों में देखने को मिलता है, स्मोकी टाइप का जो रहता है, धुआं धुआं टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं, fog. And mist क्या होता है, इट इज़ अ लाइटर वर्जन ऑफ fog. Fog क्या, mist क्या है, fog का एक वर्जन है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, mist. ये भी कैसा होता है, इसमें भी स्मोकी हमें दिखता है. तो दिस फोर टर्म्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर previous class. Now today we will continue over this chapter. उसमें हम different forms of condensation में हमारा fifth point cover करेंगे, that is cloud. ठीक है, on smart board you can see that is this is the picture of cloud. Cloud मतलब क्या होता है, बादल. तो clouds are formed at 1.1 kilometer to 7.5 kilometer surface of the earth. क्लाउड की जो अर्थ से हाइट है, अगर हम कंपैरिजन करें क्लाउड और अर्थ की हाइट का, तो क्या डिफरेंस है, 1 किलोमीटर टू 7.5 किलोमीटर. ठीक है, तो वेपर दैट राइजेस अप फ्रॉम द वाटर बॉडीज रीचेस हाई अप इन द स्काई एंड देन कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कूलिंग. तो क्या बोला गया है, क्या बताया जा रहा है, कि जो वेपर होते हैं, वेपर जो रहते हैं, वेपर किससे निकलते हैं, हमारे वाटर से निकलते हैं. जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो वेपर होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ड्रॉपलेट्स में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कूलिंग. ठीक है, दिस ड्रॉपलेट गेट डेंस एंड अनकोल्ड. तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में. तो इसको हमने क्या बोला है, क्लाउड्स बोला है. जब व्हेन द क्लाउड्स कंटेन लेस वाटर ड्रॉपलेट इट अपीयर्स वाइट एंड इट डेंसिटी इंक्रीज इट अपीयर्स ब्लैक. जब वाटर ड्रॉपलेट्स का जो अमाउंट होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होती है, जो पानी की बूंदें रहती हैं, उसमें जब वो कम पानी कंटेन करता है, मतलब कि जब बारिश होती है, अगर बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट होती तो हमें बादल कैसे दिखते, काले काले दिखते हैं. और नॉर्मल लेस अमाउंट में बारिश होना स्टार्ट होती तो हमें बादल कैसे दिखते हैं, पूरे मतलब कि काले नहीं दिखते, किस तरह के दिखते हैं, पूरे बादल टाइप दिखते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूरे सफ़ेद दिखते हैं. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है, जब वो बहुत कम अमाउंट में कंटेन करती, जो वाटर रहता है, जब उसकी बूंदें जो बहुत कम अमाउंट में कंटेन करती हैं, तो क्या होता है, हमें बादल कैसा दिखता है, वाइट दिखता है. और जब वाटर ड्रॉपलेट, जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में चले जाती है, तो हमें बादल कैसे दिखते हैं, ब्लैक दिखने लगते हैं. ठीक है, तो क्लाउड्स का जो सरफेस होता है अर्थ तक, अर्थ से, वो कितना होता है, 1 किलोमीटर टू 7.5 किलोमीटर तक होता है. ठीक है, नाउ जैसे कि हमने अभी बादल की बात करी है, हमने इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखा कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स में जो पानी की बूंदें होती हैं, उसमें अगर पानी कम अमाउंट में कंटेन करता है, तो जो क्लाउड रहता है वो किस टाइप का रहता है, वाइट रहता है. पर जब वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करती है, तो बादल किस तरह से दिखते हैं, हमें ब्लैक दिखते हैं. तो पानी किस तरह से होता है, बहुत तेज़ गिरता है. नाउ वी विल डिस्कस अवर सिक्स्थ टर्म, दैट इज़ रेनफॉल. रेनफॉल मतलब कि बारिश किस तरह से धरती पर गिरती है. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर कंडेंस ड्यू टू लो टेम्परेचर. जो वाटर वेपर पूरे हमारे एटमोसफियर में रहता है, हमारे सराउंडिंग एरिया में जितना भी वाटर रहता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है. ठीक है, जब टेम्परेचर हाई रहता है तो हमें क्या देखने को मिलती है, धूप देखने को मिलती है. और जब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है तो एटमोसफियर कैसा हो जाता है, बहुत नमी पड़ जाती है उसमें हर जगह. द
The size of condensed particle increase gradually and they become heavy and fall on the earth as droplets. It's called rain. तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में क्या होने लगते हैं, आपस में बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होने लगते हैं, टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से जो आपस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल होने लगती है हमारी अर्थ पे। तो उसको क्या बोला गया है, इस टर्म को क्या बोला गया है, रेन। मतलब कि व्हेन ग्रेजुएशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जब मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या होना, टकराव होता है एक दूसरे से, तो क्या स्टार्ट होना लगता है, रेनफॉल स्टार्ट होने लगती है। तो क्लाउड देखा हमने, रेनफॉल देखा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या होता है, स्नोफॉल सबको पता है, स्नोफॉल सबने देखी भी होगी, आइस पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो पानी की बूंदें जो रहती काय में गिरने लगती, आइस पार्टिकल्स के फॉर्म में गिरने लगती हमारी अर्थ पर। द वाटर वेपर्स आर रीचिंग हायर अप इन द स्काई कन्वर्टेड इनटू आइस पार्टिकल्स आर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। क्या बोला है, जब बहुत ही टेम्परेचर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या फिर माइनस में चले जाता है, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है तो कैसा रहता है, लो रहता है। तो उस समय पे क्या होता है, जो वाटर रहता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आइस पार्टिकल्स हमारी अर्थ पर फॉल होने लगती है। तो इस आइस पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, स्नो बोला गया है, बर्फ बोला गया है। जब स्नो हमारी अर्थ पर गिरती तो उसको क्या बोला गया, स्नो फॉल बोला गया है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थ्री टर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। नेक्स्ट टर्म इज हेल। हेल आप सबने देखा होगा, हेल, हेल क्या होता है, यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ओले। ओले सबने देखे होंगे, ओले गिरते हैं। द आइस पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर जॉइन एंड टेक द फॉर्म ऑफ पेबल्स एंड फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ। जो आइस पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे कंकड़ों के इसमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, हवा के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये हवा के कांटेक्ट में आने लगते हैं तो जो स्नोफॉल रहती है वो किसके काय में कन्वर्ट होने लगती है, आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगती है। जो आइस पार्टिकल्स होते हैं वो पत्थरों में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है, हेल बोला गया, ओले जिसको बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हेल। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में हमने डिस्कस करा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंडेंसेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, ड्यू पढ़ा था एंड फ्रॉस्ट पढ़ा था, ड्यू एंड फ्रॉस्ट दिस आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। सेकेंड हमने पढ़ा फॉग एंड मिस्ट, ये हमारे थर्ड और फोर्थ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है। देन वी डिस्कस अबाउट द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। देन लास्ट टर्म ऑफ कंडेंसेशन क्या है हमारा, हेल, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन वी डिस्कस कि अलग अलग फॉर्म के कंडेंसेशन होता है। सबसे पहले हमने कंडेंसेशन समझा था कि कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो काय में चेंज हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। मतलब कि जो वाटर वेपर होते हैं वो काय में चेंज हो जाते हैं, पानी की बूंदों में चेंज हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एज वी डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन, उसमें हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा था। तब हम पढ़ते हैं कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेन। जो ह्यूमिडिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो किसका होता है, रेन का होता है। तो जो रेन होती है वो भी कैसे होती है, अलग अलग टाइप की रेन होती है। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन्स में कितनी रेन्स पड़ेंगे हम, थ्री टाइप्स की रेन्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन में वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ रेन, दैट इज कन्वेक्शनल रेन। फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल जो रहेगा वो हमारा होगा कन्वेक्शनल रेन्स, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेन्स क्या होता है, कन्वेक्शनल रेन्स, द वेपर फॉर्म फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हीट राइज ऑफ द स्काई एंड कंडेंस ड्यू टू लो टेम्परेचर। देखिए क्या बोला है इसमें, जो वेपर्स होती वाटर काय में कन्वर्ट हो रहा है, हमारी सबसे पहली प्रोसेस क्या थी, जो वाटर था वो काय में कन्वर्ट हो रहा था, काय में फॉर्म हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। फिर जो वाटर वेपर थे काय में जो चेंजेस हो रहे थे, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहे थे।
तो जो वेपर्स होती है, जो बाष्प रहती है पानी की, वो काय में चेंज हो जाती है, वाटर बॉडीज़ में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? वाटर बॉडीज़ मतलब कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हीट रहती है, जो गर्म चीज़ गर्म गर्म हवा रहती है, वो काय में चेंज हो जाती है, किससे टकराती है? इट ग्रेजुअली अकर्स इन द स्काई, स्काई में जाती है। और जब स्काई में जाती है तो ये कैसी होने लगती है? कंडेंस्ड होने लगती है, मतलब कि वाटर वेपर काय में चेंज होने लग रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लग रहा है। तो टेम्परेचर कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारी अर्थ पर क्या होना स्टार्ट होता है? रेन स्टार्ट होने लगता है, मतलब कि रेन ड्रॉप्स स्टार्ट होने लगती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? कन्वेक्शनल रेन। जैसे सन हिट्स द लैंड एंड द एयर अबोव। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैंड है, ये क्या उसके साइड में सी है, ठीक है। हमें जितनी भी गर्म चीज़ें मिलती, नेचुरली जो भी गर्म होता है, तो किसके हेल्प से होता है? वो सन की हेल्प से होता है। तो सन क्या करता है? लैंड और सी को क्या करता है? हीट देता है, हीट प्रोवाइड करता है। जितनी भी हीट प्रोवाइड होती है, वो किससे टकराती है? बादल से टकराती है, क्लाउड से टकराती है। जब हवा जो रहती है वो बादल से टकराती है, तो किसके कांटेक्ट में आती है? एयर के कांटेक्ट में आती है। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो हवा रहती है, कूल्स एंड कंडेंस, वो क्या होने लगती है? कूल भी होने लगता है, कंडेंस भी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? रेन ड्रॉप्स स्टार्ट होने लगती है। तो क्या तीन स्टेप है? हाँ, सन क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है लैंड और सी को। उससे क्या होता है? जितनी भी हीट प्रोवाइड होती है इसके थ्रू, तो क्या करता है? एयर के कॉन्टेक्ट में आता है। एयर जो रहता है कंडेंस होती, कूल होती है, और क्या फॉर्म करती? क्लाउड फॉर्म करती, बादल फॉर्म करती। इसके बाद क्या होता है? रेन ड्रॉप्स स्टार्ट होने लगती। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया हमने? कन्वेक्शनल रेन। सेंस द रेनफॉल अकर बिकॉज ऑफ द अबो मैंशन प्रोसेस एंड इट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल रेन। तो जो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से रेनफॉल स्टार्ट होने लगी, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? कन्वेक्शनल रेन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेन। ये हमारा फर्स्ट टाइप है रेन का। फर्स्ट टाइप क्या है? कन्वेक्शनल रेन, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप क्या है? ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। ओरोग्राफिक रेन इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल। ये क्या है? सेकेंड टाइप है रेनफॉल का। इसमें क्या होता है? व्हेन अ माउंटेन कम्स इन द पाथ ऑफ मॉइस्टनिंग लैडन विंड्स फ्रॉम द सी टू लैंड, इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। इसमें क्या होता है? जब कुछ भी मॉइस्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी नमी स्टार्ट होता है, नेचुरली जब नमी स्टार्ट होता है, तो इनके कांटेक्ट में कौन आने लगता है? माउंटेन आने लगता है, ठीक है। जब माउंटेन का जो पाथ होता है वो आने लगता है, तो जितना भी फ्रॉम सी टू लैंड इट स्टार्ट क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो नेचुरली क्या होता है? जो भी इवेपरेशन हो रहा है, जितना भी कंडेंसेशन हो रहा है, वो नेचुरली किसके कांटेक्ट में आने लगता है? माउंटेन के कांटेक्ट में आने लगता है। ऑन रीचिंग ग्रेट हाइट इट कूल्स डाउन एंड प्रेसिपिटेट। तो जैसे जैसे जो प्रोसेस होती है, इवेपरेशन की प्रोसेस हो रही, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही, जब एक टाइम पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होने स्लाइड डाउन होने लगता है। तो टेम्परेचर क्या होने जाता है? कूल डाउन होने लगता है, ठीक है। जब वो टेम्परेचर जो होता है वो कूल डाउन होने लगता है, तो वो किस फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? रेन स्टार्ट होने लगती है। इसको बोला गया है ओरोग्राफिक रेन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? ओरोग्राफिक रेन बोला गया है। और सच रेनफॉल अकर्स इन द रीजन ऑफ मॉनसून और द वेस्टर्न लिमिट। इस तरह की जो रेन हमें देखने को मिलती है, वो यूजुअली हमें मॉनसून के सीजन में ही देखने को मिलती है, रेनी सीजन में ही देखने को मिलती है। द पार्ट ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द विंड रिसीव्स, मतलब कि इसका जो कॉन्टेक्ट रहता है, इसका जो कनेक्शन रहता है, कैसे रहता है इसका कनेक्शन? विंड से रहता, हवा से रहता है। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड इज कॉल्ड द विंड वेट साइड ऑफ द माउंटेन, वेर इज द अदर साइड अपोजिट टू द विंड वेट। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, ओशियन जो है उसमें से क्या निकल रहा है? वाटर वेपर निकल रहा है। वाटर वेपर जो है वो इवोपरेट हो रहा है। इवोपरेट होने के साथ क्या हो रहा है? एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। वो इवोपरेशन के साथ साथ क्या जा रहा है? माउंटेन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठीक है। जब माउंटेन के कॉन्टेक्ट में आया, तो जो हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर एक टॉप मोस्ट पर जाकर फिर किस पर जा रहा है? लो टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है।
तो लो टेम्परेचर जो रहता है किस फॉर्म में स्टार्ट होता है, रेन के फॉर्म में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की काय में कन्वर्ट हो जाती है, रेन के फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है, तो कौन सी रहे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉर्म में क्या होता था कि जो सन हीट प्रोवाइड करता था तो एयर जो कांटेक्ट में आती थी काय में कन्वर्ट हो जाती, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती थी, तो रेनफॉल स्टार्ट होता था। इसमें इवोपरेशन की प्रोसेस से हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड है वो कौन सी है, हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है, विच वन, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, व्हेन द हॉट एंड कोल्ड एयर मीट, द हॉट एयर राइज अपवर्ड एंड द कोल्ड एयर रशेस टू ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर। क्या होता है, जब गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो जो गर्म हवा रहती, जो वार्म एयर रहती, जो हॉट एयर रहती, वो क्या चले जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर की तरफ क्लाउड में चले जाती है। और जो कोल्ड एयर रहती, जो ठंडी हवा रहती, वो क्या चले जाती है, उसका टेम्परेचर लो रहता है, जिसकी वजह से वो कहाँ पर चले जाती है, नीचे चले जाती है, मतलब कि लैंड में चले जाती है, सी में चले जाती है। विच कॉजेज द ब्रिलिंग एयर इन द सेंटर टू अपवर्ड, द राइजिंग एयर कूल डाउन कंडेंस द ब्रिंग्स रेन। तो जो एयर रहती, सॉरी, जो कोल्ड एयर रहती है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, लैंड और सी के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, और जो वार्म एयर रहती है वो किसके कॉन्टेक्ट में आती है, क्लाउड के कॉन्टेक्ट में आती है। जब इन दोनों के कॉन्टेक्ट, इन दोनों का कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, अपोजिट कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो द राइजिंग एयर कूल्स डाउन कंडेंस एंड ब्रिंग रेन। तो जो कोल्ड एयर रहती है वो क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है, पूरा उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नेचुरली क्लाउड से उनको हीट मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल स्टार्ट होने लगता है। इस तरह के रेनफॉल को क्या बोला है, साइक्लोनिक रेनफॉल बोला है। आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, एक वार्म एयर है, इसका पार्टीशन अलग है, और ये कोल्ड एयर है, इसका पार्टीशन अलग है। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, तो इनका जितना भी डायरेक्शन रहता है वो कैसे हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और ग्रेजुअली क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से किस तरह की रेनफॉल स्टार्ट होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरह की रेनफॉल हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में हमें इस तरह की रेनफॉल देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या पढ़ी हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल को मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा, एंड साइक्लोनिक रेनफॉल पढ़ा, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या रहता है, सन से डायरेक्टली हीट मिलती है लैंड एंड सी में। सेकेंड, ऑरोग्राफिक में क्या होता है, इवोपरेशन की प्रोसेस से कौन पाथ में आता है, कौन कॉन्टेक्ट में आता है, माउंटेन आता है। और थर्ड में क्या होता है, जो वार्म एयर और कोल्ड एयर रहती है एक दूसरे से क्या आती है, कॉन्टेक्ट में आती है, तो इस वजह से ये रेनफॉल स्टार्ट होती है। हमने अभी तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ी, अब हम इसका जो रेन, हमें कितनी रेन गिरी है अर्थ पर, कितना रेनफॉल हुआ है अर्थ पर, इसको अगर हमें मेजर करना है, तो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या बोला गया है, रैनग्वेज। रैनग्वेज क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस टाइम इज कॉल्ड रेनग्वेज। इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी बारिश एक जगह पर हुई है और कितनी बारिश एक एरिया में हुई है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम पता लगा सकते हैं। तो वॉट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, व्हाट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेनफॉल, तो क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, रैनग्वेज। द इंस्ट्रूमेंट हैज अ सिलेंड्रिकल ड्रम विच इज, तो रैनग्वेज क्या है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन मेजर द रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर एरिया। अब इसका जो शेप साइज, उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। जो ये इंस्ट्रूमेंट है किस तरह का आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल ड्रम दिख रहा है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। विच इज़ क्लोज एट द बॉटम, ये क्या रहता है, नीचे से कैसा रहता है, क्लोज रहता है, ओपन माउथ नहीं रहता है, जैसे हमारी फनल रहती है, कुप्पी रहती है, देखी होगी, जैसे कि अगर हमें ऑयल ट्रांसफ़र करना रहता है तो हम एक फनल का यूज़ करते हैं, उसी टाइप का रहता है बॉटम से, ये कैसा रहता है, क्लोज रहता है, और टॉप से कैसा रहता है, इसका ओपन माउथ रहता है। बिलो द फनल इज प्लेस्ड एज अ ग्लास बॉटल इन अ ड्रम, नीचे के इससे क्या करते हैं, इसको एक ग्लास बॉटल में रखा जाता है, जो ग्लास रहता है उसके अंदर इस फनल को रखा जाता है। एंड ग्लास अ मेजरिंग ट्यूब विद अ यूनिट ऑन सेंटीमीटर,
हमें जितना भी पानी नापना है, मेजर करना है, तो इसमें यूनिट काय की दी हुई रहती है, सेंटीमीटर से दी हुई रहती है। इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द ग्लास बॉटल विद द फनल इज प्लेस इन द मेटेलिक सिलेंड्रिकल वेसल। जो फनल रहता है उसका जो ग्लास रहता है काय से बना रहता है, मेटेलिक सिलेंड्रिकल वेसल रहता है। कौन काय से बना, ऐसे हमारा ना प्लास्टिक का रहता है ना ग्लास कांच का रहता है, किसका रहता है, मेटेलिक फॉर्म में रहता है। मेटेलिक फॉर्म के अंदर हम इस फनल को रखते हैं। एंड दिस ग्लास बॉटल इज टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर एवरी 24 आवर्स। और इस ग्लास बॉटल के अंदर से हमें जो फनल हमने अटैच करा इसको हर 24 घंटे में हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जब भी रेनी सीजन होता है, जब भी रेनफॉल अकर होता है, अगर हमें मेजर करना है तो वो मेजर कितने टाइम में हमें बताता है, 24 आवर्स में, मतलब कि एक दिन में, 24 घंटे में हमें ये मेजरमेंट पता चलता है, ठीक है। और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंच और सेंटीमीटर ट्यूब एंड वी कम टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द पास्ट 24 आवर्स। तो मैंने आपको बताया इसकी यूनिट किससे मेजर करते हैं, हम सेंटीमीटर से यूनिट मेजर करते हैं या फिर हम इंच से मेजर करते हैं। तो व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग द रेनफॉल, क्या इंस्ट्रूमेंट है, रेन गेज है। इसके किस टाइप का रहता है, एक फनल टाइप का रहता है। इसकी यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर में हम इसे मेजर कर सकते हैं। और इसको एक मेटेलिक ग्लास रोड में हम इसे रखते हैं, और पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है हम इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड इंस्ट्रूमेंट। हमने आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में डिस्कस करा, एंड वी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 7th। आज हम लोग ने हमारे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वाला चैप्टर क्लास 7th में कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।